हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्रीड करा रहे हैं मेगा थीरियम, और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेगा थीरियम का लेवल जो है 446 दोनों के दोनों एक हाई लेवल के मेगा थीरियम है, और हम लोग इसे आज ब्रीड कराने वाले हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसको कैसे ब्रीड कराते हैं और क्या क्या करते हैं इसे ब्रीड कराने के लिए। तो बट उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लोग इसकी टेमिंग की वीडियो खोजेंगे तो उसे भी जल्दी आपको मिल जाएगा। इसकी वीडियो टेमिंग की भी जल्दी मैं अपलोड करूँगा जब सीरीज आएगी। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ब्रीड करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे पूरा सेटअप कर रहे हैं इसे ब्रीड कराने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि इस समय फ़िलहाल के लिए मैं खेल रहा हूँ अनऑफिशियल सर्वर, जो कि PvP और संडे को होता है, और साथ साथ जो है और बाकी 7 दिन PvE होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीड कराने वाले हैं, और मैं अपने टीममेट से कह रहा हूँ कि वो हैचिंग रूम है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे रूम हमने बना रखे हैं। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोनों के दोनों जिनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, और यहाँ पे ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो मेरा टीममेट है वो मेरी हेल्प कर रहा है मुझे ब्रीडिंग कराने में, इसको ब्रीडिंग कराने में। तो फिलहाल के लिए इसका प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो जाता है अगर आप लोग कोई कार्निवर नहीं यूज करेंगे तब। तो कार्निवर क्या होता है कि हमारे शॉप से मिलता है 30 एम्बर का आता है इन सभी के लिए, और अगर जो अंडे देते हैं उनके लिए 60 एम्बर का आता है, 60 या फिर 90 एम्बर का, और जो इनके लिए आता है वो शायद 30 एम्बर का आता है हमारा कार्निवर। उससे क्या होता है कि ये सब 3 टाइम्स फास्ट मेटिंग करते हैं, और साथ साथ जो एग का हैचिंग टाइम है या फिर इन सभी के बच्चे देने का टाइम वो रिड्यूस हो जाता है बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, हमारा 60% हो चुका है, और यहाँ पे 1% जा रहा हमारा एक बार में। थोड़ा सा स्लो है बट कोई बात नहीं, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट करने के बाद हमें टाइम देगा, उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा इनके बच्चे को ले करने के लिए। तो चलिए इनको जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं जब ये बच्चे ले करने का टाइम हो जाता है इनका तब। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा 100% हो गया हमारा। तो चलिए अब मिलते हैं तब जब ये पूरा टाइम रिड्यूस हो जाता है, जो 1 घंटा दिखा रहा फिलहाल के लिए। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा हमारा टाइम ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है, बिल्कुल टाइम हो चुका है। देखते हैं हमें कितने लेवल तक का बेबीज़ मिल जाता है, मेगा थीरियम्स बेबीज़। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी 1 सेकेंड 6 सेकेंड 5 सेकेंड बचे हुए हैं, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो बेबीज़ आएगा मुझे लगता है कि देखिए आ गया ये फाइनली। और यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दोनों सेम के सेम कलर हैं, और ये डंजन वाले बेबीज़ हैं, तो इनको मैं क्लेम कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसका लेवल है 337, और इसकी एचपी वगैरह भी आई थिंक ठीक ही ठाक है। यहाँ पे देखिए 10K एचपी है, ज़्यादा एचपी नहीं उतना खास। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लेवल अप करें तो शायद हो सकता है हमारा, ये देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा। तो फिलहाल के लिए इनको हम लोग इम्प्रिंट कराने वाले हैं, मैं इम्प्रिंट कराने वाला हूँ, 100% इम्प्रिंट कराऊँगा। तो इम्प्रिंट कराने के लिए इनको सबसे सिंपल होता है, अगर आप लोग ऑफिशियल में खेल रहे हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट यहाँ पे अनऑफिशियल है जो कि 3 टाइम्स फास्ट इम्प्रिंटिंग वाला प्रोसेस है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए वॉकिंग का टाइम दिखा रहा है, इसको एक कैंडी फीड करने के बाद बस वॉक कराएंगे, हमारा सारा काम जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए रियाज भाई ने मुझे बुलाया था, और मुझे एक कॉलर देने के लिए, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ। अब इसकी इन्वेंट्री में मैंने दे दिया थोड़ा सा मीट, क्योंकि अगर ये स्टार्व करेगा तो फिर मर जाएगा हमारा मेगा थीरियम। तो यहाँ पे जितना हो सका मैंने दिया इसको, अब बारी हमें इसे जल्दी से जल्दी इम्प्रिंट कराने की। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉप में आया, शॉप में आने के बाद एक कैंडी ख़रीद लेते हैं, तो एक कैंडी तो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि मेरे पास उतना एम्बर भी नहीं पड़ा है फ़िलहाल के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं कैंडी ले लेता हूँ एक, ये देखिए, और ये ले लिया मैंने कैंडी। और अब बारी इसको इम्प्रिंट कराने के लिए फ़ीड करने की, तो यहाँ पर मैं एक कैंडी इसको फ़ीड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो 3 घंटे दिखा रहा था टाइम, वो पूरा रिड्यूस हो जाएगा हमारा। और चलिए इसको वॉक करा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये वॉक करने के लिए बोल रहा है, जैसे ये वॉक करेगा तो हमारा जो इम्प्रिंट का टाइम इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो डन हो जाएगा। देखिए, और ये देखिए कितना अच्छे तरीके से चल रहा है, चलते समय भी लग रहा कि मिट्टी वगैरह फेंक रहा खनते हुए। और एक आध बार और करेंगे तो ये साथ डन हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा इसको चलाना पड़ रहा, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को शायद ही ऐसा डंजन शायद ऐसा क्रिएचर मिलता हो मोबाइल में। और देखिए एक ही बार में हमारा 100% डन हो गया है,
टोटल 100% इम्प्रिंट हो गया हमारा एक ही कैंडी में। तो ये बहुत हार्ड होते हैं, आई मीन बहुत रेयर होते हैं आर्क मोबाइल में मिलना, ये सिर्फ और सिर्फ डंजन से ही मिलते हैं। अगर हम लोग इसको लाएँ, रिवाइव करें, थेम करें, फिर उसके बाद ये सब कराएँ तभी होगा। और साथ साथ मैं बता दूँ ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, आई मीन मल्टीपर्पज़ का, ये मल्टीपर्पज़ का भी मल्टीपर्पज़ यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद